मेरा नाम हसीब है, मैं 20 साल का हूँ। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूँ। तो अभी आज आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं थोड़ा फेमिनिन हूँ। अगर एक मतलब आदमी को देखा जाए तो उसको बोलते हैं कि वो बहुत माचो हो या मैस्कुलिन हो, उसकी आवाज़ भारी हो। और मैं शायद इतना मैस्कुलिन नहीं, मैं फेमिनिन हूँ। पहली दफ़ा जब मुझे अगर मतलब किसी ने कोई नाम बुलाया कि तुम खुसरा हो या तुम इस तरह हो या तुम लड़की हो, तो वो पहली दफ़ा था जब मैं 8 साल का था। फिर उसके बाद मैंने स्कूल में भी नोटिस किया, स्कूल में भी सब लड़के मजाक उड़ाते थे और इस तरह सब चीज़ें। फिर मैं कई दफ़ा जब मैं 12-13 साल का हुआ, तब फिर मुझे गुस्सा आने लग गया। मैं गुस्सा करता था रोने की जगह, तो फिर लड़ाई होती थी, मैं उनको मारता था, वो मुझे मारते थे। कई दफ़ा अम्मी अबू को भी बुलाया कॉलेज में। और एक नया डेमोग्राफिक देखा कि अब सेक्सुअली भी आपको कोई कुछ भी कह सकता है। तो वो तीन लड़के भी क्लास में अक्सर बैठे होते थे। जब उन्होंने एक दो दफ़ा ऐसे हरकत करने शुरू की तो मैं क्लास से बाहर आ जाता था। उन्होंने क्लास से बाहर आके भी ऐसी हरकतें की, तो देन वन डे मैंने बोला, सबके सामने बोला, मैं ज़ोर से बोला, तो वन ऑफ देम सेड के मैं हम तो मजाक कर रहे हैं। तब मैंने बोला ये मजाक नहीं है। फर्स्ट ईयर में एक लड़के ने मैथ की क्लास थी, तो ही वॉज आस्किंग थिंग सर, हम पूछ रहे थे, तो मैं कुछ बताने लगा, तो पीछे लड़के ने जवाब दिया ये तो लड़की है, इसको क्या पता होगा। सर गेव हिम अ शट अप कॉल। तो वो एक बहुत कहते ना कि मतलब मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी टीचर ने ऐसे बढ़ के बोला। देखते ना कि आपको छाप लग जाती है कि आपको डर लगे हमेशा हमेशा के लिए। मैं जब भी जाता हूँ मेरा बाल कटवाने को दिल नहीं करता, किसी ने की दुकान पे भी जाने को दिल करता, मुझे बहुत डर लगता है मेरे बैक ऑफ द माइंड के शायद फिर वैसी कोई हरकत होगी। वो शायद सोचते थे कि शायद मैं गे हूँ या मैं चाहूँगा कि कोई सेक्शुअल कोई इंटरेक्शन हो, कोई इंटरकोर्स हो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे अभी भी नहीं चाहिए। तो फिर जब ऐसा लगा कि नो आई एम नॉट दिस, मैं खुसरा भी नहीं हूँ ना मैं गे हूँ, तो अगर तुमने कहना है तो बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोसाइटी में मतलब यही हो कि एक्सेप्टेंस हो, ये ना समझा जाए कि ये बिलोंग नहीं करता या ये क्या चीज़ पैदा हो गई है या ये तो पागल है या ये खुसरा है। देर आर ट्रांसजेंडर पीपल, उनके लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अब इतना हो गया हूँ कि अब मैं नहीं सोचूँ इस तरह की चीज़ें, कि जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। आई एम जस्ट लाइक एनी नॉर्मल बॉय और आई कैन हैव ओपिनियंस और मैं जैसा हूँ मैं वैसे बिहेव कर सकता हूँ। एंड आई हैव फाउंड सम गुड पीपल अराउंड मी जो कि मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझसे अपने भाइयों की तरह रखते हैं। या अगर मेरी लड़कियाँ दोस्त हैं तो मुझे अपनी वो मेरी बहनें और मैं उनके साथ भाइयों की तरह हूँ। हम लोग का इतना अच्छा है इन्वायरमेंट, तो इस तरह इन्वायरमेंट सबको मिले तो आई थिंक दे कैन सस्टेन, बहुत अच्छी तरह सस्टेन कर सकते हैं। उनका एक बहुत अच्छा मेंटल आउटलुक बन सकता है वर्ल्ड का, और वो किस तरह अपने आपको आगे लेके जाना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल फील्ड में। अब मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ तो मुझे ये भी आगे सोच के होता है कि अच्छा मैं आगे जाऊँगा तो आगे क्या होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है।